आता चिडलेला बघितलं का? आज का व्लॉग चालू हो गया है। हम जा रहे हैं कावासाकी के शोरूम में और वहां पे हम देखेंगे टूरर और चीजें ले सकते हैं और वहां से किसी और जगह पे जा सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके टकले भाई के चैनल पे। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इज्जत बच्ची के दिल में ले लू। कपड़े बदल गए, मेरा कपड़ा मैंने वापस ले लिया फाइनली। एक्चुअली एक काम आ गया था, होने वाला था कैंसिल जाने का विषय, लेकिन अब हम जा रहे हैं कावासाकी के शोरूम में और अगर वक्त मिले तो पता नहीं वहां से हम कहां जाए। लेट्स गो बॉयज, मचाते हैं मजे की रात। तेरी मेरी है सौगात, टकला गैंग इन द हाउस बेबी। बारिश ने इतना कंटाल आना है, जैसे हम निकले दोस्तों देखो वन साइड बारिश गिरने लग गया। क्या वन साइड बारिश दोस्तों? तुमको बारिश दिखाने के लिए इनको भिगा रहा हूँ थोड़ा सा। रुको देखा खुशी हुई गर्गा जी, कैसे लगा? चिल लगा क्या? बच्चा कैसे लगा? आइए, अरे मैं निकल रहे लगे पाउस पड़ा लगला रे, अभी फालतू गिरे भाई। ओ ये व्हाट अ माहौल, अपन आई एकदम रुतबे में बैठेगा, रुतबे में रुतबा। भी गाड़ी में डीजल नहीं, 800 गाड़ी भगा रहे थे, गाड़ी ने डायरेक्ट रिफ्यूलिंग का मार्किंग दिया है, तो जैसे तैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप मिला तो वहाँ पे अभी फ्यूल करने आए अपन। डीजल में फ्यूल कर रहा तो पार्किंग के वाले, और ये टुच्चा औरा का मालिक है ना, इसकी लायक ही नहीं पार्किंग करने की, एकदम घटिया पार्कर है। लेकिन गरुड़ा जी ने रपक करके पार्क की और अभी हम जरा हमारे मावशी के पास जा रहे हैं, उनको उदबत्ती देनी है। जी हाँ, और उदबत्ती दे के हमको शोरूम में भी पहुँचना है और शोरूम बंद होता है 6 बजे, यहाँ पे 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, वो हमारा वेट वहाँ पे कर रहे, फिर भी गरुड़ा जी को उदबत्ती देनी है। अभी रपक करके उदबत्ती देके भागेंगे सुमड़ी में दुमड़ी। ये देखो मावशी का घर, वन साइड एकदम राजमहल, और अभी मावशी चाय पिला रही है। चाय पी के थोड़ा सा निकलते हैं, टाइम नहीं क्योंकि गाड़ी भी रास्ते पे, और वहाँ पे अपने पीयूष और उनकी गैंग वार्ड वगैरह, और ये टुच्चा है औरा का मालिक, कुत्ता कहीं का। गरुड़ा जी बसा गाड़ी चला रहे हैं, हम बस गोल गोल घूम रहे दोस्तों शोरूम में जाने के लिए, और इस वक्त 9 बजे है और हम 9 बजे शोरूम में जा रहे हैं, और शोरूम उन्होंने ओपन रखा हुआ है। इज्जत तो है, और ये इतनी घटिया जगह है ना दोस्तों, नुस्ते रोड के काम चल रहे, देखो काय माणूस करेल भाई, नुस्ती रोड ची काम। हाँ रोड पे लगा दे ना, चल बिंदा त्यांच्या आईच्या कुत्रा लाऊ तिकडे। दोस्तों रात के 9 बजे और पूरा कावासाकी का शोरूम इन्होंने चालू रखा है, बताओ। ये अपने पीयूष भाई और ये राज भाई इधर रहते हैं, और ये अपने अच्छे खासे लोग, और ये अपने गरुड़ा जी गाड़ी पार्क करके आ गए। गरुड़ा जी ये फीलिंग क्या है रात के 9 बजे इन्होंने शोरूम उगड़ा रखा है? और ये है कावासाकी वर्सेस थाउजेंड। दोस्तों पत्ते छोटा देखो कितना लग रहा है गाड़ी के आगे। तेरे पत्ते आहा, गाड़ी है सेक्सी है रे, और शटर अभी बंद कर रहे हैं ताकि ये मत हो रूल कायदा ब्रेक ना हो। अरे अभी अरे कसली रट्टी है और एक पत्ते आ, तू इथे जेवाला बसू शकतो, अबे इथे ताट आणि इथे तू उलटा। हे ऍडजस्ट होणार होत असणार ना। हा मी काय बोलतो ऐका ना, जी ZX10 येणार आहे जेव्हा, म्हणजे ही गाडी आता इथे ठेवतो, नाही नाही जेव्हा टूरला जायचं असेल तेव्हा ही घेऊन जाऊ, असं काहीतरी करा ना ऑफर। हे लुक बादशाह आहे, लुक बादशाह आहे।
हाँ ये तो पाठांतर है अपने KTM से डायरेक्ट नहीं ऍडजस्टेबल आहे का ते आता नेक्स्ट टाइम तेच टायर लावतो बरे पडतील कारण जाम ती गाडी म्हणजे स्केटिंग सारखी सरकते सहा ते सात वेळा सरकलो लीन करताना ती परत म्हणजे आणि ती स्वतःला पण ऍडजस्ट करते गाडी ना ही जर आपल्या आटोक्यातली वाटते लुक एकदम जरा एकदम ही भरलेली वाटते ही जरा थोडी निखिड वाटते ती वाटते आणि ती वाटते कॅमेरा चालू होता त्याचा हा रे माझे पाय कशी फुटते आणि बजेट मध्ये पण आहे जरा ऑफ रोड टाइप फील येते आयडी नेता नाही रे सेम ग्राउंड क्लिअरन्स आहे ग्राउंड क्लिअरन्स सेम आहे फक्त वेट मध्ये फक्त किती किलोचे आणि अंडर 200 असेल ना 200 वरच काश मुझे नेकेड स्पोर्ट्स पसंद होती तो अपने पास ये होती नाही मान ना तरी सीधे हिजार बस नाही हिजार बस नाही एकदा ही पण नेकेड आहे अरे ती आणि अरे ही आणि सेम आहे मेंटल फक्त कलर वेगळा आहे सेक्सी वाटते ना अभिला सुटेल अभि कुठे करा नाही ना हळू तो तुम्हाला त्याच्याच गाडा सुटतात निंजाशी प्रेम झाले रे ग्रीन कलरशी प्रेम झाले सगळ्या हां भेट अभि जरा दिखा तेरा जलवा कैसा सूट हो रहा है आज तू टकला अभि होता सोच कितनी मजे आते सूट होता तू एकदम नाही रे सूट तो होतोय बादशाह रे बेंडूक वाटतो बेंडूक तर मला पण बसू दे होय अभि आता हा पाटी ते हे येणार ना टॉप बॉक्स आणि इथे जो बॉक्स आला ना इथे बॉक्स माणसाने मिठं घे मिठ्या बोलांनी माणसी आणि बॉक्स लॉंग तुला आता बेस्ट आहे तू गाडी लोगोने एक सरप्राइज बर्थडे केक मतलब 2 मिलियन वाला केक लाया है और लाइटर से जला रहे मतलब समझिए बात की है और चॉकलेट केक है जीरो शुगर चैलेंज दोस्तों अपन ने गाड़ी लेने के बाद ही केक कटा था और यहाँ पे 2 मिलियन सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं ये कावासाकी वाले सारे अब ऐसे ही अगर ये गाड़ी लेने का विषय हुआ तो डिस्काउंट भी देंगे चलो करो अरे मी मेलबती बुक मारा विसरलो तो वाढदिवस आधी जेवढे केक कापत काय विषय झिरो शुगर मस्त झालं आमच्यासाठी पनीर बर्गर पण आणलं त्यांनी प्युअर व्हेज नेहमीप्रमाणे मला जाम आवडलं फक्त हिच्यामध्ये हे फीचर्स हवे होते जसं का ते क्विक शिफ्टर ऑटो ब्रेकर किंवा ते सीट वगैरे गरम होणं आणि पुढे ते ट्रॅक्शन कंट्रोल वगैरे ते सगळं दोस्तों मोहल्ले को तकलीफ कैसे देते ये इस मालक को पूछो इस मालक ने एसी का प्रोजेक्टर लगाया एग्जॉस्ट लगाया देखो अरे हा काय भाई हे बघ कसला खपक्या है अभी याच्यात लपवता पण इतनी गोष्टी है बघा हात जाते रे अभी इसका आवाज सुनो और इरिटेट हो आप भी मेरे साथ आप भी इरिटेट हो Oh
इथे असं ते तुम्हाला बोलू ना इंजिन केसिंग लावून घेऊया तुम्हाला फोटो पाठवलेले इंजिन केसिंग लावले तुम्हाला बोलू ना लावूया तुम्ही बोलला पण याने हिटिंगचा इशू नाही हिटिंगचा संबंध काय हीट गाडी इकडे नाही होत गाडी हीट इकडे होते आणि पायामुळे ना आपल्या गाडीला इथे स्क्रॅच आले कुठे बघितले तू स्क्रॅच ते इथे ना कुठेतरी ये भी डिस्काउंट वाला रेट है या वो भी आप बताओ नहीं तो फिर दूसरे बंदे आएंगे या 12-13 हजार से ग्रिल आणि ते पण मला आधी बोललेले फ्री देणार आहे आणि मला उल्हासनगरचा माल देतात फ्री मध्ये दोस्तो सुनो बराबर से फ्री देने वाले आप भी ले सकते हो बैठने की पोजीशन दे चप्पल पहन है मुझे ऐसा लगता है ना पत्या तू ये चप्पल विप्पल पहन के ना टेटीएम वाला वाटा टेटीएम वाला बाप एकदम बाप लॉन्चिंग मोड मध्ये आहे ना एकदम करंट संपेल हा संपेल आम्ही भाऊ फक्त चालू एक काम कर एक राऊंड दे आधी आणि नंतर मग तू एकदम भोगाच्या लेव्हलला वाढव काही प्रॉब्लेम नाही एक राऊंड अजून राऊंड नाही घेतलाय एकदम पण नाही काय आवाजच ये तो पक्का केटीएम वाला आहे म्हणजे आता कुठल्या रोडला असल्यावर हात ठेवायचं कुठल्या रोडला असल्यावर हायवे क्रुझिंगला हे भारी आहे वस्तू आठ ठेवलं मी आठ पण हे कसे असेल म्हणजे आपण डबल सीट असेल एक सिंगल सीट असेल डबल सीट असेल तर थोडा हार्ड करावा लागतो रात के बजे है 12 सॉरी रात के बजे हैं 12 और हैप्पी बर्थडे जितने भी लोगों का बर्थडे 12 बजे मैं इतना ही बोलना चाहूंगा यहाँ पे जो इज्जत मिल रही है ना दोस्तों इज्जत नेक्स्ट लेवल है इतनी इज्जत कहीं पे नहीं मिलती है और मतलब क्या ही बोलो यार बहुत अच्छा लगा इन्होंने खाना वगैरह हमको दिलाया पानी पिलाया फुल इज्जत दी अभी हम ये सब इज्जत लेके घर निकल रहे हैं वर्सेस बहुत अच्छी गाड़ी है बट वो ऑफ रोडर के हिसाब से उतनी मतलब अप टू मार्क शायद नहीं है तो मैं थोड़े ट्रायम्फ की टाइगर वगैरह देखने का सोच रहा हूँ तो वो मैं देखने वाला हूँ मे बी 2-4 दिनों में बीच में मेरे थोड़े काम है तो वो काम करके मैं जाऊँगा लेकिन मजे करेंगे देखेंगे हर एक गाड़ी घाई नहीं करेंगे जो भी करना है अभी तक लेने का कुछ प्लान नहीं है वैसे लेकिन घाई करना नहीं आराम से लेंगे लेकिन मेरी चुम्मू चलो बैठते हैं अभी कशत का ना पर हम थाने में आए ना तो हम किरण दादा को मिल रहे हैं और उनको कॉल करके गाली गलौज चालू कर दिया किरण तेरे घर के नीचे आए लेकिन तू वैल्यू ही नहीं देता रे तुला माणूस की नाही राहिली भावा असं तसं वो बेचारा किरण दादा बोल रहा अरे लेकिन मुझे कैसे पता होगा कि आप घर के नीचे आए मैं आ जाता हूँ मैटर ऐसा है ना कि उसको बोला अभी आए है ना तो कुछ है मेहमान नवाजी नाम की कुछ चीज है कि नहीं चलो भूख लगी मटन मटन मुंडी भिंडी जरा खा लो ऐसा पत्या बोला हम नहीं तो हम अभी किरण दादा को मिलते देखते क्या होता है गाड़ी ली नहीं है बट खुशी बहुत है केक काटा है इतनी मेहमान नवाजी हुई है बहुत इज्जत मिली है मैंने पहला ऐसा शोरूम देखा है जो इतना प्यार दे रहा है यार और आई शपथ यार कावासाकी और कावासाकी के सारे बादशाहों को बहुत इज्जत लव यू किरण दादा को बाहर निकाला है इसलिए मैं भी बाहर आ गया हूँ दोस्तों एकदम
बारिश की वजह से रोड एकदम घटिया हो गए हैं। देखो यहाँ से बंद है, यहाँ से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। बारिश में वाट लगती है हर जगह पे, हर कहीं पे भी जाओ बारिश में आप बर्बाद हो। ये देखो बापरे, हाईवे पे ही रुका है अपना भाई, अपना किंग भाई। इज्जत दो इसको, इज्जत दो पब्लिक। अरे किरण दादा, किरण दादा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे मस्त मस्त, धमाल धमाल। बट ये सरप्राइज कैसा लगा? आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। किरण दादा, जब हमने आपको कॉल किया और इज्जत उतरा उतरी चल रही थी तो आपको कैसा लगा? अरे बहुत मजा है, बहुत मजा है। पत्तू पप्पू ये बड़ा अभी किरण दादा फ्रेश लगते रे एकदम। बाप बाप, ये मेरा भाई आ गया फाइनली दोस्तों। किरण दादा जीवे जीव, किरण दादा जीवे, और वो कभी भी हमारे लिए रेडी रहता है जैसे क्या हम है। किरण दादा मेरा लुक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त मस्त धमाल। किरण दादा बोलते हैं मुझे पता था तो मैं भी टकला करता। क्यों नहीं यार, किरण दादा मतलब है केस है, थोड़े केस है, केस है। अरे मैं पूरा मैं करने को तैयार है सिद्धि। आता झाले टार्गेट, आता नेक्स्ट टाइम, हां नेक्स्ट टाइम काहीतरी करूया। पण किरण दादा आपण इतिहास काढायचा होता ना पत्त्या। किरण दादा इतिहास रचला गेलाय, चार्ली डेव्हिल आणि करण तिघांचे 1-1 लाख आणि आपले 2 मिलियन, आपल्या दुसऱ्या चॅनलचे 5 लाख, इंस्टाग्रामचे 7 लाख, म्हणजे एक रेकॉर्ड झाले आपले सगळ्याचे। काय म्हणणे मस्त, याचे याचे 5000 वाढले या लायकी झिरोचे। तुला ते याला मी बोललो ऐक, याला मी बोललो टकलं कर, यांनी जर टकलं करताय ना आता 50+ झाले असते, पोरांनी सपोर्ट केला असता 50+। अभी पुढच्या वेळी मी आहे, मी तुमच्यासाठी करीन। चल फिरूया, चल। फायनली रात के 3 बजने को होके आए और हम मस्त पैकी खाना खाए और अभी हम सोने आए। मतलब ये जो व्लॉग है ये यही था जो आपके सामने था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम सोते हैं और 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर से मचाते एक जगह पे जाके। हाथ फिर कलटरे टकले, ठीक है। चलो दोस्तों अभी आप एंजॉय करो, गुड नाइट, लव यू। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है, आपका कर्तव्य आपको पार पाड़ने का है। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोदा नारा।